हार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने मनीष कश्यप की NSA के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया। पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा NSA के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती देना चाहता है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति है। हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को मदुरै सेंट्रल जेल से स्थानांतरित नहीं किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। मनीष कश्यप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा, गिरफ्तार यूट्यूबर पर तमिलनाडु में 6 और बिहार में 3 FIR दर्ज है। उनके खिलाफ NSA लगाया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताते हुए कहा, मनीष कश्यप के खिलाफ NSA, इसके खिलाफ यह प्रतिशोध क्यों? वही तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोअर्स हैं। वह एक राजनेता है, उन्होंने चुनाव लड़ा है, वह पत्रकार नहीं है। मनीष कश्यप ने अपनी याचिका में सभी FIR को एक साथ जोड़ने की भी मांग की है। मनीष के वकील ने FIR को रद्द करने की भी मांग की है। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल पर अब NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।